गरम हो चुका है, परवल जो है हमने धुल के काटा, तो उसको धुलना नहीं है क्योंकि कभी भी फ्राई करें परवल तो ऐसे पलट के करें, अच्छा से सिक जाता है। तो अभी तक तो हमने फ्लेम हाई रखा था गैस का, लेकिन अब मीडियम कर देंगे। बढ़िया से सिक चुका है आलू में, इसके आलू खाने में इसमें डालूंगी एक तेजी पत्ता, उसके बाद ये डालूंगी हरी मिर्च, फिर मैं डालूंगी प्याज, गैस के फ्लेम थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग, इसमें मैं डाल दूंगी आलू, उसके बाद इसमें डालेंगे हम परवल, अच्छे से सब्जी को भून लेंगे ढक ढक के। सब्जी भून चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे ये 2-4 कली लहसुन लिया है, इतना लहसुन तो पीस के बनाया नहीं, तो मैं क्या करती हूँ जुगाड़ लगा देती हूँ, ऐसे भी हमको तो ऐसे ही जुगाड़ लगा के लहसुन घिस के डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। मैनेजमेंट अगर सब्जी की अच्छी, अब बहुत थोड़ी सब्जी है तो बहुत लहसुन डालेंगे ज़्यादा तो फिर स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। बीच में हम डाल लेते हैं थोड़े से मसाले, ये मसाले वाले चम्मच से हाफ चम्मच नमक, थोड़ी सी धनिया पाउडर, अच्छे से जीरा पाउडर, काली मिर्च बिल्कुल कम डालना है, ये जो है ना कश्मीरी मिर्च है इसको भर के डालना है क्योंकि इसी से कलर आता है। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक, हमने 1 चम्मच ही डाला है, मतलब आधा आधा 2 बार में डाला है, लोग अपने हिसाब से सब्जी की लिमिट देख लीजिएगा आप लोग, तो उस हिसाब से नमक डालिएगा स्वाद अनुसार। अब इसको हम भूनेंगे कम से कम 2 मिनट ढक के, तो सब्जी ना भून चुकी है, देखिए आप लोग बिल्कुल तेल फायदे से छोड़ दिया है इसमें,
सब्जी बन चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है, एकदम बिल्कुल सेक सेक के ब्राउन हो गया आलू। आप लोग चाहें तो सूखी भी खा सकते हैं, ऐसे बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन हमको इसमें लेपुट बनाना है तो थोड़े पानी हम डालेंगे। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये आलू जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा डालना है क्योंकि सब्जी हमारी बिल्कुल कम है। अब इसमें हम थोड़ी डाल देंगे धनिया पत्ती, एक मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम हमने कर देना है बंद। एक मिनट हो गया है, इसको हम गैस चला लेंगे, सब मिक्स करके जो है अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर देनी है, ढक्कन लगा देना। तो देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, देख रहे हैं। तो आइए, हमने तो पराठा के साथ इसको शेयर किया सब्जी को, मतलब सर्व किया है। अब आप लोग रोटी के साथ, पराठा के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, चाहे किसी चीज़ की भी सब्जी किसी से के साथ आप लोग खा सकते हैं, खा सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए अगले वीडियो के लिए। आप लोग, मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में नया रेसिपी लेके, तब तक के लिए राधे राधे।